नहीं सकता, जीवन में नहीं सोच सकता। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। और ये तो मैं एक उदाहरण इसीलिए देता हूं, ये घटनाएं और भी घटित हुई है हमारे सामने, लेकिन मैं बार बार एक ही उदाहरण को इसलिए देता हूं क्योंकि उन यजमान जी से अपना इस समय संपर्क है। और शेष उदाहरण कई, और ये जो कथा हो रही है, ये कथा भी हम लोगों की आज से 3-4 साल पहले ही हो रही थी। बीच में कोरोना आ गया और ये कथा होनी थी भिलाई में, रायपुर में, और स्वर्गीय बजरंगलाल अग्रवाल जी उनके शरीर रहते होनी थी, उनको सामने सुनना था, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग धाम में होते हुए भी यहां पर सूक्ष्म रूप में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको बार बार नमन करते हुए कृपा साथ दे रहे। और भागवत जी की कथा महात्म्य कई बार मैंने सुनाया है, ये जो भागवत जी की जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया, स्कंद पुराण में भी केवल भागवत का महात्म्य वर्णन किया है, 6 अध्याय में वर्णन है। और मैंने पिछले बार की वृंदावन की कथा में भी और रायपुर की कथा में भी श्रीमद् भागवत की महात्म्य को पूरा विस्तार से लिया है, इसलिए वृंदावन की कथा है ये। अब मैं महात्म्य की ओर नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं सीधे भागवत जी में प्रवेश करूंगा, क्योंकि महात्म्य को यदि मैं सुनाने लग गया तो एक दिन पूरा महात्म्य ले लूंगा, इसलिए भागवत जी की कथा को क्यों कम करना। इसलिए आइए श्रीमद् भागवत जी का प्रथम सुनो। जन्मास्य यतोऽन्वया वितरतः चारथे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो पारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है मेरे भाई, और प्रथम श्लोक में किसी ठाकुर का नाम नहीं लिया, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, देवीं परम धीमहि नहीं कहा, ढोंडिम परम धीमहि नहीं कहा, सूर्यम परम धीमहि नहीं कहा, यहां सत्यम परम धीमहि कहा। और भागवत जी का प्रथम शब्द क्या है, जन्माद्यस्य, जन्म से भागवत का प्रारंभ किया गया। और भागवत का विराम कहां है, जरा अंतिम श्लोक में चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है परम, और भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है जन। देखो मेरे भाई बहन, भागवत जी कहना चाहती हैं कि जो भी इस संसार में जन्म लेकर पैदा हुआ है वो यदि उसका लक्ष्य क्या है, परम धाम जाने का, अंतिम शब्द है परम, उसका लक्ष्य तो परम धाम जाने का है, तो जो भी जन्म लेने वाला व्यक्ति परम धाम जाना चाहता है वो आ जाओ और भागवत जी की नाव में सवार हो जाओ, तुमको इस भाव सागर से परम धाम तक पहुंचाने का काम भागवत रूपी नाव करेगी, इसमें जो भी सवार होगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये भागवत जी का डिंडिम घोष है मेरे भाई, हम लोग सवार हो चुके हैं श्रीमद् भागवत जी में, और हम लोगों को परम धाम पहुंचाने का काम ये श्रीमद् भागवत जी करेंगे।
और यहाँ सड़क प्रश्न आए हैं और का भी 80,000 ऋषियों ने सुत जी महाराज के समक्ष नैमिषारण्य में सुत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान है, स्वर्णकादि 88 ऋषि उनके सम्मुख आसन लगाकर विराजमान है, और स्वर्णकादि 88,000 ऋषियों ने जब हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हम आपके समक्ष अनेक पुराणों की कथा आपने हमको श्रवण कराई, लेकिन गुरुदेव अब हम कथा नहीं सुनना चाहते, कथा नहीं सुनना चाहते तो भैया उठकर चले जाओ, किसने रोका है तुमको? हाथ जोड़कर स्वर्णकादि 88,000 ऋषियों ने कहा, नहीं गुरुदेव, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, हम कहना चाहते हैं गुरुदेव कि हम कथा तो बहुत सुन लिए, अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथा का सार जरूर, सभी शास्त्रों का तुमको सार हम सुनाएंगे, और तुम क्या चाहते हो बताओ? जब सुध जी ने पूछा, स्वर्णकादियों ने कहा, गुरुदेव कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनं परमधाधुना, जिस शास्त्र को श्रवण करने पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति सहसा होती हो, ऐसा शास्त्र हमारे समक्ष वर्णन करने की कृपा करें। जब इस प्रकार के प्रश्न आए हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुध जी महाराज ने स्वर्णकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। स्वर्णकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष सुध जी महाराज ने कहा, सभी शास्त्रों का सार स्वरूप मैं तुम्हारे समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा कहूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया, उससे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपि कृत्यम् द्वैपायनो विरह कार्यायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानकोऽस्मि। सुध जी के गुरु कौन है? सुखदेव भगवान ऐसे हैं जो पैदा होते ही नारद छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, नाल को तोड़कर चल दिए, द्वार से बाहर जाते हुए जैसे ही सुखदेव भगवान को वेदव्यास जी ने देखा, आवाज लगाई, अरे पुत्र रुको बेटा रुको, लेकिन बेटा रुकने को तैयार, वो पैदा होते ही नाल को तोड़कर चल रहा और आगे आगे पुत्र चला जा रहा है और पीछे पीछे वेदव्यास, अरे पुत्र रुको, लेकिन आत्माराम ने रमण किया हुआ पुत्र और पुत्र को बुलाने में तन्मय वेदव्यास जी चले जा रहे हैं, चलते चलते 4 वर्ष व्यतीत हो गए और पहुंच गई यात्रा मानसरोवर में। उस मानसरोवर में स्वर्ग की अप्सराएं नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने 16 साल का युवक सुखदेव को आता हुआ देखा। देखो सुखदेव भगवान जो पैदा हुए थे ना 12 वर्ष बाद पैदा हुए थे, 12 वर्ष की उम्र में पैदा हुए, मां के गर्भ में बने रहे और 12 वर्ष बाद जब पैदा हुए, पैदा होते ही अपने पांव पर खड़े होकर चल दिए।